नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में मिला युवक का शव। हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने लगाया जाम। रीवा एक दिन पूर्व घर से निकले युवक का मंगलवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने शव को सड़क में रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। सगरा निवासी कमलेश साकेत गांव के ही छोटे लाल लोहार के टेंट हाउस में काम करता था। प्रतिदिन की तरह वह सोमवार की सुबह भी काम पर जाने की बात बोलकर निकला था और रात में उन्हीं के घर में रुका था। सुबह युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव समीप ही स्थित एक नहर में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर शव को सड़क में रखकर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन जाम खुलने को राजी हो गए। युवक किन परिस्थितियों में नहर में डूबा था, इसका भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना की जाँच शुरू कर दी। आइए जानते हैं मृतक के परिजन व एसपी नवनीत भसीन ने क्या कहा। रीवा रायपुर करछुलियान संवाददाता ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। इंद्रपाल साकेत, ये जो खत्म हुए हैं ये कौन है? ये मेरे भतीजे हैं, साले के सर, इनके साथ ये सर रात दिन 12 बजे बुला के ले गए और रात अब ये कोई पता नहीं चला कि कौन ले गया। मतलब छोटे लाल लोहार के यहाँ काम करता था वो, टेंट वाले हैं, टेंट के लिए ले गए, काहे के लिए ले गए मुझे पता नहीं। जब वो ले गए अब सुबह अब पता हुई उसकी माँ देखी तो नहर है उसी पर रोड के किनारे, और नहर में मारा पड़ा रहा, उसके चोट है सर। तो आप लोग ने जाम भी लगाया था क्या? हाँ जाम लगाए थे, तो सर कोई अधिकारी नहीं आए, ये TI वगैरह रहे, अपना के थाना प्रभारी रहे अपना के सगरा के, और वहाँ जाके राजकुमार मिश्रा जी रहे, एक जने सिंह साहब रहे, वो जबरदस्ती हटा के कहीं निकलने दो पब्लिक को, ये गाड़ी निकाले जबरदस्ती लाद बाड़ी को लाद दिए और कहीं लेके जाओ PM करवाओ, PM होगी तभी होगी सुनवाई। और वहाँ पर CC कैमरा भी लगा है सर, मगर कोई देखने वाले, हम लोग कहते कि सर थोड़ा देख लीजिए, कहीं वो फिर बाद में हो गया। क्या क्या संदेह है आप लोगों को? हमको संदेह यही होता है सर कि जहाँ पर गया जिसके घर वो तो नहीं, जहाँ पर गया वही व्यक्ति मरवाया या मारा, तभी उसके चोट है बस। किसी कमलेश साकेत सगरा थाना सगरा तहसील हुजूर है। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल साकेत। सगरा थाना क्षेत्र में नहर में एक व्यक्ति की बॉडी मिली, इसके पश्चात तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के अपनी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, साथ ही साथ FSL टीम को भी वहां पर बुलाया गया है और अभी वहाँ से शव को रवाना करके PM के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात FSL रिपोर्ट आने के पश्चात आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो भी घटनाक्रम आएगा उसके अनुसार हम लोग उसमें उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर उनको चक्का जाम भी किया गया था, परिजनों का ये आरोप था कि किसी व्यक्ति के साथ ये बालक गया था, जिसके चलते ये घटना उस व्यक्ति ने कारित की जिनके साथ गया हुआ है, इस कारण से अपनी बात को लेकर उन्होंने वहाँ पे ऐसा किया था। बाद में हमारे DSP और अन्य थाने मौके पर पहुँचे, उनको समझाया कि PM रिपोर्ट FSL रिपोर्ट और जो बयान होंगे उसके आधार पर हम लोग आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे, तो संतुष्ट हो गए और अभी उन्होंने PM के लिए शव को रवाना कर दिया है।